अच्छा, अब फोरकास्टिंग हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? बेसिकली जो मेन सेक्शन है आपका, जो सेक्शन अब हम कवर करने जा रहे हैं वो है बजटिंग का। ठीक है, तो वेरी इमीडिएट नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो बजटिंग है। लेकिन आपको पता है बजटिंग में अच्छी खासी एस्टिमेशन होती है। ठीक है, बजट फ्यूचर के बारे में बनाए जाते हैं और फ्यूचर आपको क्लियर नहीं होता, आपको अंदाजा लगाना पड़ता है। तो बजटिंग के लिए आप फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं, तो पहले अगर हम फोरकास्टिंग सीख लें तो बजटिंग के वक्त हमें जरा आसानी होगी। खास तौर पे देखें, जब आप सेल्स बजट बना रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि अगले एक साल की जो सेल्स है वो इतने यूनिट्स होगी। वहां पे अक्सर स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं कि सर ये सेल हमें कैसे पता लग गई इतने यूनिट्स होगी। तो फिर उस वक्त हम टीचर जवाब दे रहे होते हैं कि ये फोरकास्टिंग टूल से पता लगती है। तो फिर फोरकास्टिंग टूल्स क्या होते हैं, फिर हमें वो बताना पड़ता है। तो बेहतर है कि हम फोरकास्टिंग टूल पहले पढ़ लें। तो इसको आपने इस कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ना है कि कल जब आप बजट बनाएंगे तो आप बजट बनाते वक्त फोरकास्टिंग कर रहे होंगे। तो आपने फोरकास्टिंग और उसका जो रिलेशनशिप है बजटिंग के साथ, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, फोरकास्टिंग और उसका जो रिलेशनशिप है बजटिंग के साथ। अच्छा, अब इस चैप्टर का जो ओवरव्यू है, इस चैप्टर का जो ओवरव्यू है This चीजें conference will now be recorded. ना कुछ भूल जाता है। ठीक है, अभी वो प्लेन क्रैश भी हुआ, देखें पायलट जब परेशान होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो जब चीजें इतना कंट्रोल रूम मैनेज करना हो तो कहीं ना कहीं गड़बड़। एनीवे, अब ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा फिर शुरू से बता दूं कि इस चैप्टर में हम तीन टेक्निक्स मेजर पढ़ रहे हैं। एक हाई एंड लो मेथड, दूसरा रिग्रेशन, तीसरा टाइम सीरीज एनालिसिस। तीनों जो हैं वो फोरकास्टिंग के टूल्स हैं और फोरकास्टिंग को आपने इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो इन रिलेशन टू दी बजटिंग पढ़ना है, क्योंकि फोरकास्टिंग आपको हेल्प करेगी सेल्स के एस्टीमेट में और कॉस्ट के एस्टीमेट में। तो उसमें से जो सबसे पहली जो टेक्निक है हाई एंड लो मेथड, वो अब आप देख लें कि वो कैसे होता है। आपको पता है कि ये हाई एंड लो मेथड कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए भी और कॉस्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए भी हो सकता है, और ये सेल्स को प्रिडिक्ट करने के लिए भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये कॉस्ट को, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज होता है। इसमें आप करते क्या है, तो आपको पता है कि इसके अंदर हमने सबसे पहले वेरिएबल रेट निकालना होता है। वेरिएबल रेट, और वेरिएबल रेट जो है वो उसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल। ये बेसिकली बी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो हाई और लो एक्टिविटी में जो कॉस्ट का डिफरेंस है और हाई एंड लो एक्टिविटी में जो एक्टिविटी का डिफरेंस है, वो आप जब ले लेते हैं तो उसको वेरिएबल रेट कहते हैं। ये बी से भी डिनोट होता है जो भी आपका रेट निकला है। फिर आप क्या करते हैं, आप टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, तो वो बराबर हो जाता है किसके, फिक्स कॉस्ट के, जिसको ए से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो वेरिएबल रेट बी से डिनोट किया जाता है और फिक्स कॉस्ट ए से डिनोट किया जाता है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास एक इक्वेशन सी बन जाती है जिसमें आप कोई भी वैल्यू ऑफ वाई निकाल सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ये वाली नॉर्मली क्या प्रोडिक्शन होती है, कॉस्ट की प्रोडिक्शन होती है किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स से। तो इसमें एक्स क्या होता है, एक्टिविटी लेवल। तो आप किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कॉस्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर आपको दो चीजों का पता हो। वो दो चीजें कौन सी हैं, ए ए यहाँ पे क्या है, फिक्स कॉस्ट, और वैसे टेक्निकली ए को क्या कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट, और बी यहाँ पे क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल रेट, और बी को टेक्निकली हम क्या कहते हैं, स्लोप। ठीक है, ये उसकी थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी है, थोड़ी बहुत वोकैबुलरी है। जब आप ए और बी निकाल लेते हैं तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कॉस्ट को। तो इसमें एज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। यहाँ पे एक आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, आपको आउटपुट दी भी है 5,000, 7,000, 9,000, 10,000, यहाँ पे कॉस्ट दी भी है 26, 34, 42, 46। तो आपने कहा कि ईयर 5 में जो आउटपुट एक्सपेक्टेड है वो 13,000 है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बी निकालोगे। बी आप कैसे निकालोगे, जो हाई एक्टिविटी और लो एक्टिविटी का जो फर्क है 46,000 माइनस 26,000 कॉस्ट में, वो ले लिया, और आउटपुट का जो फर्क है 10,000 माइनस 5,000, वो आपने ले लिया।
तो ये 20,000 ये बनता है, 5,000 ये बनता है, आपके पास 4 पर यूनिट का बी आ गया। जब आपने ये बी निकाल लिया तो फिर आपने फिक्स कॉस्ट निकालनी है। फिक्स कॉस्ट के लिए आप कोई सी भी एक्टिविटी ले लो, लेट्स हाई एक्टिविटी पे टोटल कॉस्ट ले लो, उसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, और वो कितनी है 6,000। और फिर अगर आपको वो कहता है कि ईयर 5 में, अब आप प्रेडिक्शन कर रहे हो, वो आपको ये कहता है कि 13,000 यूनिट्स है, तो फिर आपने क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। प्रिडिक्ट किसको करना है, टोटल कॉस्ट को, क्योंकि वाई यहाँ पे टोटल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट कितनी है 6,000, वेरिएबल रेट कितना है 4, और यूनिट्स कितने 13,000, 13,52 और प्लस 6,000 58,000। कोई अगर क्विकली कैलकुलेशन में मसला हुआ हो तो हाईलाइट कर दीजिएगा। तो ये एक एप्लीकेशन है किसकी, हाई एंड लो मेथड की। इसमें कोई एम्बिग्युटी है, कोई क्वेश्चन है, होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि बड़ा कॉमन सा मेथड है। मैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि जब बंदा थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट हो जाए तो मैं तो एक घंटा भी इसके ऊपर लगा सकता हूँ, लेकिन अब हम इतनी डेप्थ में जा नहीं सकते, हमने क्विकली प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। तो क्विकली कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज ओके लिख दें ताकि हम आगे। ओके जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब यही जो प्रेडिक्शन है, यही वाली प्रेडिक्शन y equals a plus bx, इसी प्रेडिक्शन को हम एक डिफरेंट मेथड से कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं रिग्रेशन मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन और हाई लो में सिर्फ यही फर्क है कि हाई लो मेथड सिर्फ दो पॉइंट्स को, दो डेटा पॉइंट्स को, मैं जरा डेटा पॉइंट्स वाली बात भी आपको समझाता हूँ कि लेट्स से अगर ये आपका एक्स है और ये वाई है और आप डेटा पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, तो हाई एंड लो मेथड सिर्फ इस पॉइंट को पकड़ता है और जो लोएस्ट पॉइंट है इस पॉइंट को पकड़ता है, ये लाइन मिला देता है, इस लाइन, ये लाइन जहां पर इंटरसेप्ट कर रही होती है उसको ए मानता है, इस लाइन के स्लोप को बी मानता है और प्रोडिक्शन कर देता है, ठीक है। तो इसके अंदर हाई एंड लो मेथड में सिर्फ दो पॉइंट्स यूज होते हैं। अब जब आप दो पॉइंट्स की बेस पे प्रेडिक्शन करेंगे तो वो प्रेडिक्शन जो है वो इतनी अच्छी नहीं समझी जाती, क्योंकि जितना बड़ा डेटा होगा उतनी अच्छी प्रेडिक्शन होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप तमाम डेटा पॉइंट्स, ऑल डेटा पॉइंट्स को यूज करते हुए प्रेडिक्शन करें, तो फिर उसके लिए जो है वो रिग्रेशन एनालिसिस यूज होता है। रिग्रेशन एनालिसिस फिर वही लाइन है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। हाँ, इसमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ तरीके से यूज होती है, तमाम डेटा पॉइंट्स को यूज करना होता है। तो ये बी का फॉर्मूला है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला नॉर्मली तो क्वेश्चंस में दिया होता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको जब क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसके एंड में ये फॉर्मूलाज होंगे, लेकिन फिर भी एहतियातन आप इन फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड कर लें तो बेहतर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है जी, n नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, समेशन सम को कहते हैं, x y का मतलब है x और y की जो कंबाइंड वैल्यू, इसका सम ले लें, समेशन x का मतलब है सिर्फ x का सम लें, और समेशन y का मतलब है सिर्फ y का सम लें, समेशन x स्क्वायर का मतलब है x स्क्वायर का सम लें, और समेशन x होल स्क्वायर का मतलब है x के समेशन लेकर उसका स्क्वायर कर लें। तो नॉर्मली इस क्वेश्चन में क्या होता है, इस क्वेश्चन में आपको एक डाटा दिया जाता है, तो जिस तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है, किसका, एडवर्टाइजिंग का, ठीक है, एक्स और वाई, तो यहाँ पे एक्स एडवर्टाइजिंग है और वाई जो है वो सेल्स रेवेन्यू है, ठीक है, एंड देन यू हैव शॉप्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं ये सारा यहाँ पे नहीं लिखूंगा। तो एक्स और वाई, अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे x और y का एक कॉलम बना लोगे, x को y से मल्टीप्लाई कर लोगे, क्योंकि हमें समीशन x y चाहिए। अच्छा, हमें फिर x स्क्वायर भी चाहिए, तो हम यहाँ पे एक और कॉलम बना लेंगे और वो क्या होगा, x स्क्वायर का। तो ये कॉलम बनाने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने फाइनली क्या करना है, इसका सम लेना है समीशन x, आपने इसका सम लेना है समीशन y, आपने इसका सम लेना है समेशन एक्स वाई, आपने इसका सम लेना है समेशन एक्स स्क्वायर। ये वो चार वैल्यूज हैं जो जब आप ले लेंगे तो अल्टीमेटली आपने इन फॉर्मूलाज में बस सिर्फ इंसर्ट ही करना है, तो आपको ए और बी पता लग जाना है, ठीक है। तो इट्स अ मैटर ऑफ अप्लाइंग द फॉर्मूला एंड गेटिंग द वैल्यूज
और ये एक थोड़ा सा बस समझ लें कि एक लेबर वर्क ही होगा, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे थोड़ा कॉल आ रही है, मैं क्विकली लेके आप। तो इट्स अ मैटर ऑफ अप्लाइंग द फॉर्मूला। हाँ, अब अलबत्ता आपको इसकी इसकी जो है वो इंटरप्रिटेशंस बहरहाल क्लियर होनी चाहिए। नॉर्मली एमसीक्यूज कैसे आते हैं, जिसके अंदर आपको ये इक्वेशन कहीं ना कहीं बना के दी होती है और फिर आपने प्रिडिक्शन करनी होती है। एमसीक्यूज में नॉर्मली वो आपसे ए और बी की वैल्यूज इतना कैलकुलेट नहीं करवाता, क्योंकि ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करना तो सिंपल यही बात है कि एक बच्चा जिसको बस टेबल बनाना आता है और जो मल्टीप्लाई कर सकता है और कैलकुलेटर से डिवाइड कर सकता है, वो ये वैल्यूज आसानी से निकाल लेगा। एग्जामिनर आपसे ये वैल्यूज निकलवाना शायद वो नहीं चाहता, वो इन वैल्यूज को देकर आपसे कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन जरूर करवाएगा और वो इन वैल्यूज से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछ सकता है कि ए का मतलब क्या है, बी का यहाँ पे मतलब क्या है, अगर ए और बी इतना हो तो फिर वाई क्या हो सकता है। तो अभी हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो क्या है, ठीक है। तो इसकी एक इंटरप्रिटेशन यहाँ से, ये जो यहाँ पे मैं कर्सर लिख रहा हूँ वो आप जरूर देखें यहाँ पे, कि अगर मैं मेरी वैल्यू, चले मैं यहाँ पे ना ए की वैल्यू लिखता हूँ, तो मैं अब आपसे भी पूछता हूँ, बल्कि चले मैं जरा इसको अगर मेरा यहाँ पे आता है 3 लाख, ठीक है, ए 3 लाख है और बी जो है वो 5x है और ये मेरी एक इक्वेशन है और यहाँ पे वाई जो है वो एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग, और एक्स जो है, सॉरी, वाई जो है वो सेल्स है, सेल्स, और एक्स जो है वो एडवर्टाइजिंग है, ठीक हो गया जी। तो मेरा अब आपसे ये सवाल है कि अगर ये इक्वेशन आपके सामने है तो ये इक्वेशन बता क्या रही है, ठीक है। तो पहला सवाल मेरा ये है कि अगर से अगर एडवर्टाइजिंग जीरो हो तो सेल्स कितनी होगी, तो मुझे बताएगा कि इस इक्वेशन को देखते हुए आप क्या कहेंगे कि अगर एक कंपनी की एडवर्टाइजिंग जीरो हो, वो एडवर्टाइज ही ना करती हो, तो उसकी कितनी सेल्स होगी। आई नीड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि एक ऐसी कंपनी, इस इक्वेशन को देखते हुए कि एक ऐसी कंपनी जिसकी जिसकी जो एडवर्टाइजिंग है वो जीरो है, तो उसकी सेल्स कितनी होगी। जी, जवाब आ गया 3 लाख, 3 लाख, और एक जवाब आया इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो अब इसको नहीं कहेंगे क्योंकि ये अब कॉस्ट वाला तो मामला ही नहीं है ना, हम तो सेल्स को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जवाब 3 लाख बिल्कुल ठीक है, हम सेल्स को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो इसको आप यूं समझें कि बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये हमारी एडवर्टाइजिंग है, ये सेल्स है, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर एडवर्टाइजिंग ना भी कराएं तो कितनी कितनी सेल्स है, 3 लाख की, ठीक है। और फिर एडवर्टाइजिंग बढ़ाते जाएं तो सेल बढ़ती जाएगी, $1 से एडवर्टाइजिंग बढ़ेगी तो सेल $5 से बढ़ेगी। तो बेसिकली इतनी एक इंटरप्रिटेशन आपको जो है वो आनी चाहिए और इतनी इंटरप्रिटेशन आपको हेल्प करेगी अपने एमसीक्यूज करने के लिए। तो इतना ही आपने इसमें समझना है। ए और बी की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ रेयरली आपको निकालनी आ सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इतना बड़ा वो टेबल बनाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। मैं एक्सक्लूड नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं होगा कि आपसे ए और बी की वैल्यू ना पूछी जाए, लेकिन ए और बी गिवन हो तो मुख्तलिफ तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो कुछ तरीके अभी हम प्रैक्टिस किट से भी देख लेंगे, ठीक है। तो दो चीजें मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी है, एक इस चैप्टर में से हाई एंड लो मैथड, ये भी प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा इस चैप्टर में से रिग्रेशन, ये भी प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब तीसरा, अब इसके अंदर हम देख लेते हैं टाइम सीरीज, टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज के लिए, अच्छा उससे पहले ना कुछ कॉन्सेप्ट्स और भी हैं जो कि कॉन्सेप्चुअली एग्जामिनर पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव्स की फॉर्म में, ये उसके फेवरेट जरा समझ लें, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं कॉन्सेप्ट, तो सी बी एग्जाम में ना एग्जामिनर को जरा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एग्जामिन करने में बड़ा मजा आता है, उसे पता लग जाता है किसने पूरा सिलेबस पढ़ा और किसने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है कोरिलेशन, कोरिलेशन,
तो कोरिलेशन कहते हैं रिलेशनशिप को, कोरिलेशनशिप को, दो चीजों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है या नहीं है, है तो कितनी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उसको उस रिलेशनशिप को मैयर कौन करता है, कोरिलेशन। तो कोरिलेशन मैयर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब जिस तरीके से ऊपर हमने देखा कि सेल्स और एडवर्टाइजिंग के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप बन रही थी, तो उसमें कोरिलेशन है इन दोनों के दरमियान कि एडवर्टाइजिंग बढ़ाएंगे सेल्स बढ़ेगी, एडवर्टाइजिंग कम करेंगे सेल्स कम हो जाएगी, तो रिलेशनशिप है इसके दरमियान। फिर उसके अलावा हम देखते हैं कि कॉस्ट और एक्टिविटी लेवल्स के दरमियान रिलेशनशिप है, एक्टिविटी लेवल्स बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो दो वेरिएबल्स के दरमियान अगर हमने देखना हो कि रिलेशनशिप है या नहीं है, और अगर है तो किस हद तक है, और अगर है तो क्या पॉजिटिव है कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है, और या नेगेटिव है कि एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाता है, तो उस चीज के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम, उसको हम कहते हैं कोरिलेशन। ठीक है, तो अब आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं लेफ्ट पे, इसके अंदर कोरिलेशन आपको वाजे नजर आ रही है कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, और ये तकरीबन बराबर बराबर आपको नजर आ रहे होंगे कि जितना x में इजाफा होता है उतना y में, अच्छा उतना बराबर है नहीं, खैर इस लाइन में बराबर नहीं है, x में इजाफा ज्यादा हो रहा है और y में कम हो रहा है, बट स्टिल देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अच्छा, दूसरी डायग्राम में आप देखें रिलेशनशिप जो है वो एक लाइन नहीं बन रही, क्योंकि जब जब परफेक्ट रिलेशनशिप होगा तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, तमाम डेटा पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर आ रहे होंगे, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है लेकिन उस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। अच्छा, इस स्ट्रेंथ के लिए ना तीन वर्ड्स होते हैं इस स्ट्रेंथ को जानने के लिए और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए। ये क्या हो सकती है, परफेक्टली कोरिलेटेड, यानी कि दो वेरिएबल्स परफेक्टली कोरिलेटेड है, अगर एक में इजाफा होता है दूसरे में भी इजाफा होता है, एक में कमी होती है दूसरे में भी कमी होती है, और वो इजाफा और वो कमी बराबर है, अगर एक एक यूनिट से बढ़ता है दूसरा भी एक 10% से बढ़ता है दूसरा भी 10% से बढ़ता है, तो परफेक्ट कोरिलेशन है। दूसरा है पार्टली कोरिलेटेड, कि कोरिलेटेड है लेकिन एक में इजाफा दूसरे में उतना इजाफे का बाइस नहीं बनता, तो दे आर पार्टली कोरिलेटेड। और तीसरा है अनकोरिलेटेड, यानी कि इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो आगे इन्होंने एक डायग्राम दिखाई हुई है परफेक्ट कोरिलेशन की, जिसमें आप देखें दो वेरिएबल्स परफेक्टली कोरिलेटेड हैं, एक में इंक्रीज दूसरे में उतने इंक्रीज का बाइस बन रहा है, और एक में जो है इंक्रीज दूसरे में उतने डिक्रीज का बाइस बन रहा है, तो परफेक्ट कोरिलेशन है यहाँ पे, एग्जैक्ट लीनियर लाइन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। फिर पार्शियल कोरिलेशन में आप देख लें कि लाइन के ऊपर सारे डॉट्स नहीं है, ऊपर नीचे है, तो ये पार्शियल कोरिलेशन की एग्जाम्पल है, और फिर नीचे आप देख लें कोरिलेशन है ही नहीं, तमाम डॉट्स जो है वो तितर बितर से हैं, स्कैटर्ड हैं, तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा कि लाइन कौन सी बनाएंगे और प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, तो बेसिकली इन दोनों के दरमियान कोरिलेशन नहीं है। फिर कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन का, कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि एक वेरिएबल की हाई वैल्यूज दूसरे वेरिएबल की हाई वैल्यूज के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि एक वेरिएबल में इजाफा होता है तो दूसरे में भी इजाफा होता है, या एक में कमी होती है तो दूसरे में भी कमी होती है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। और नेगेटिव कोरिलेशन होती है जिसमें एक का इजाफा दूसरे की कमी के बाइस और एक की कमी दूसरे की कमी इजाफे की बाइस बनती है। तो बेसिकली एरो से समझ लें, अगर एक वेरिएबल बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है पॉजिटिव, एक वेरिएबल कम होता है दूसरा भी कम होता है नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि एक बढ़ता है और एक कम होता है तो फिर वो नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। उसके बाद है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इस चीज को मेजर करने के लिए कि स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ कितनी है रिलेशनशिप की, उसको हम मेजर करते हैं आर से, आर इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसका फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, अगेन मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि इस फॉर्मूले को टेस्ट किया जाए, अगर टेस्ट भी किया जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला गिवन होगा, और जब फॉर्मूला गिवन हो जाता है तो उसका फिर बस सिंपली उसको अप्लाई करना ही रह जाता है, क्योंकि वो खुद सारा बता रहा है कि क्या करना है। ठीक है, तो एक दफा बहरहाल फिर भी इसको करके देख लीजिएगा, बाज का फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आ रहा होता एक्चुअली, तो वो आप जरूर करके देख लीजिएगा, मैं ऑब्वियसली इस पे नहीं बता रहा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर आपने स्ट्रेंथ मेजर करनी हो कि
दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रॉन्ग है उसके लिए आर मैयर करते हैं, और ये आर माइनस वन से लेकर प्लस वन तक हो सकता है। प्लस वन का मतलब है परफेक्ट पॉजिटिव, माइनस वन का मतलब है परफेक्ट नेगेटिव, जीरो का मतलब है कोई कोरिलेशन नहीं है, जीरो से प्लस वन के दरमियान पॉजिटिव है, और इसमें से भी अगर 0.8 से ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग नॉर्मली कहा जाता है, और जीरो से माइनस वन के दरमियान पार्शली नेगेटिव है। तो ये एक रेंज आपको पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज में आपसे पूछी जा सकती है कि अच्छा अगर 0.8 आर आ रहा है दो वेरिएबल्स के दरमियान तो क्या ये रिलेशनशिप है, नहीं है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है। तो ये सारी इंटरप्रिटेशंस आपको आनी चाहिए। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम चले जाएंगे टाइम सीरीज पे और फिर प्रैक्टिस पे, वो है कॉफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कॉफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसको जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा, और अगर समझ नहीं आया तो मेरे से एक दफा पूछ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसमें x और y के दरमियान रिलेशनशिप है या नहीं है और कितनी है, इसको तो मैयर कर रहा है r, ठीक है, लेकिन ये जो मॉडल हमारा बना इसको हम प्रिडिक्टिव मॉडल कहेंगे, ठीक है, इसको हम प्रिडिक्टिव मॉडल कहेंगे। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, अगर मैं अभी पिछली मिसाल ले लूं तो उसके अंदर हमने कहा जो हमारी सेल्स है वो 3 लाख तो वैसे ही हो जाती है, और अगर हम एडवर्टाइजिंग बढ़ा दें तो $1 की एडवर्टाइजिंग बढ़ाने से $5 सेल में इजाफा हो जाता है। गौर से सुनिएगा, ये मॉडल हमने बनाया, ये प्रिडिक्टिव मॉडल हमने बनाया। अब पहली बात तो ये समझें कि ये मॉडल, इस मॉडल में दो वेरिएबल, इस मॉडल में एक वेरिएबल को एक चीज एक्सप्लेन कर रही है, वाई को सिर्फ एक चीज एक्सप्लेन कर रही है, वो क्या एक्सप्लेन कर रही है, एक्स। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि सेल्स में इजाफा किस वजह से हो रहा है, एडवर्टाइजिंग की वजह से। हम ये कहना चाह रहे हैं, हमने मॉडल बनाया और हम ये कहना चाह रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग बढ़ाने से सेल बढ़ जाती है। अच्छा, अब बात ये है कि सेल्स तो कई और वजह से भी बढ़ती है, सेल्स सिर्फ एडवर्टाइजिंग से तो नहीं बढ़ती, सेल्स तो प्रोडक्ट की क्वालिटी से भी बढ़ सकती है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन से भी बढ़ सकती है, सेल्स तो डिस्काउंट देने पे से भी बढ़ सकती है, सेल्स को बढ़ने के तो कई और वेरिएबल्स भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने जो मॉडल बनाया उसमें तो हमने सिर्फ एक वेरिएबल लिया। अच्छा, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मॉडल हमने बनाया है ये मॉडल कितना फिट है, कितना बेस्ट है, कितना प्रिडिक्टिव वैल्यू रखता है, ये मॉडल किस हद तक चीजों को एक्सप्लेन करता है और किस हद तक चीजों को एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसके लिए हम जो मेजर यूज करते हैं उसे कहते हैं आर स्क्वेयर, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। कि अगर आपने ये जांचना हो कि आपका जो प्रिडिक्टिव मॉडल है वो कितना फिट है और कितना बेहतरीन है, और उसके अंदर जो वेरिएबल है वो कितना एक्सप्लेन कर रहा है दूसरे वेरिएबल को, तो उसके लिए आर स्क्वेयर लेंगे। तो आर स्क्वेयर की जो भी वैल्यू आती है, तो लेट्स से आर स्क्वेयर की वैल्यू मेरी आती है 0.80। चलें, ये आप इसी मिसाल में मैं ये कहता हूं कि मेरी आर स्क्वेयर की वैल्यू मेरी आती है 0.8। अब मैं ना इसकी इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं और उम्मीद करता हूं आपको समझ आ जाएगी, नहीं तो फिर जरूर पूछेगा। आर स्क्वेयर 0.8 अगर मेरी वैल्यू आती है, कैसे आती है वो तो फॉर्मूला है, आर का स्क्वेयर ले लो तो आर स्क्वेयर आ जाएगा, वो तो कोई मसला नहीं। इंटरप्रिटेशन, तो इंटरप्रिटेशन ये है कि सेल्स में जो इजाफा है एडवर्टाइजिंग की वजह से 80% तक है, ठीक हो गया। यानी कि सेल्स में जो इजाफा हो रहा है एडवर्टाइजिंग का अमल दखल उसमें कितना परसेंट है, 80%। इसका मतलब है 20% कोई और वेरिएबल्स भी हैं जो सेल्स में इजाफे का बाइस बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मॉडल हमने प्रेडिक्टिव मॉडल बनाया वो अच्छा है, वो फिट है। क्यों फिट है, क्योंकि ज्यादा इजाफा सेल्स में ज्यादा इजाफा सेल्स में हमारा एडवर्टाइजिंग की वजह से हो रहा है 80%, 20% किसी और वजह से हो रहा है।
अब फर्ज करें इस मॉडल में आर स्क्वायर आता 0.20, मैं आपको एक और सिनेरियो दे रहा हूं, इस मॉडल में आर स्क्वायर आता 0.20, अब उसकी इंटरप्रिटेशन क्या बनती, उसकी इंटरप्रिटेशन ये बनती कि सेल्स में इजाफा एडवर्टाइजिंग की वजह से सिर्फ 20% है और जो 80% सेल्स में इजाफा है वो किसी और वजह की बना पर है, तो क्या ये मॉडल फिट हुआ? नहीं जी, ये मॉडल तो बिल्कुल फिट नहीं है, क्योंकि आपका सेल्स में इजाफा 80% तो किसी और वेरिएबल्स की वजह से, और वो तो आप इस मॉडल में लेके नहीं आए। तो कॉफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपके मॉडल की फिटनेस को चेक करता है, और इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, और 80% वैल्यू को हम समझते हैं स्ट्रांग है, 80% से ज्यादा तो बिल्कुल ही स्ट्रांग है, 80% से कम जो है वो वीक है। जितने अदर वेरिएबल्स की परसेंटेज ज्यादा होगी उतना ये मॉडल वीक होगा, जितना मेन वेरिएबल की परसेंटेज ज्यादा होगी उतना ये मॉडल स्ट्रांग होगा। आई एम स्टॉपिंग हियर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। आपसे कोई भी पिछला क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं, या खास तौर पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का और कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का, इससे कई एमसीक्यूज बन जाते हैं, प्रैक्टिस पोर्टल में भी आप देखेंगे पड़े होंगे, तो आप वो पूछ सकते हैं। आई एम स्टॉपिंग हियर, उसके बाद डेफिनेटली हमने आगे जाना है और हमने टाइम सीरीज पे जाना है। एनी क्वेश्चन? और अटेंडीज हमारे बढ़ के 25 हो गए हैं, इसका मतलब है ये लॉगिन बाहर भी शेयर हुआ है और एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स भी आ गए। चलें, वो तो खैर मैं ट्रैक बैक कर लूंगा, बट दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। परफेक्ट कोरिलेशन अगेन बता दें, तो परफेक्ट कोरिलेशन में हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 10% इजाफा एडवर्टाइजिंग में होता है तो 10% इजाफा सेल्स में होता है, अगर एक्टिविटी 10% से बढ़ती है तो 10% से कॉस्ट भी बढ़ जाती है, एक वेरिएबल में जितना इजाफा है उतना ही इजाफा दूसरे वेरिएबल में है, तो वो परफेक्ट कोरिलेशन आए होगी और उसमें आर की वैल्यू 1 आएगी, आर की वैल्यू 1 आएगी, और आर की वैल्यू कब 1 आती है, जब एक वेरिएबल में इजाफा इक्वल होगा दूसरे वेरिएबल में इजाफे के, तो वो डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये परफेक्ट कोरिलेशन है। अच्छा, इसमें इजाफा इजाफा भी हो सकता है, इसमें कमी कमी भी हो सकती है, ठीक है। तो प्लस वन और जीरो और वो वाली बात जो मैं कर रहा था, वो मैं ये कह रहा था कि आपकी ये जो वैल्यू है आर की, ये माइनस वन से लेकर प्लस वन तक हो सकती है। तो प्लस वन का मतलब है परफेक्ट पॉजिटिव, और माइनस वन का मतलब है परफेक्ट नेगेटिव, और जीरो का मतलब है नो कोरिलेशन, जीरो और प्लस वन के दरमियान का मतलब है पॉजिटिव लेकिन परफेक्ट नहीं होगी, ठीक है, पॉजिटिव होगी लेकिन परफेक्ट नहीं होगी, और जीरो से माइनस वन का मतलब है नेगेटिव होगी लेकिन परफेक्ट नहीं होगी। और उसके अंदर भी मैंने एक आपको बताया कि अगर 0.8 से ऊपर हो तो फिर स्ट्रॉन्ग, और अगर 0.8 से नीचे हो तो वीक, ठीक है, और इधर भी अगर माइनस 0.8 से ऊपर हो तो फिर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, और उससे नीचे हो तो वीक। होप आप अब ये आपको समझ आ गया। अच्छा, एक अच्छा सवाल है पूछा कि अगर वीक को डिटर्मिनेशन हो, यानी कि अभी जो मैंने बात बताई, और ये बड़ा अच्छा सवाल है, और इससे मुझे खुशी ये हुई है कि आपको मेरी बात समझ आई है। तो सवाल ये है कि अगर वीक आर स्क्वायर हो, ठीक है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आप निकालते हैं और वो वीक है, तो लाइक 0.20 है, तो क्या ये वायबल होगा कि हम चेंज कर दें एक्चुअल वेरिएबल फ्रॉम स्क्रैच? तो देखें, वीक आर स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि आप जो सोच रहे हैं ना, और जिसको सोच के आपने मॉडल बनाया है कि जी सेल्स एडवर्टाइजिंग की वजह से बढ़ रहा है, वो सोच आपकी ठीक नहीं है, तो अब आपको वेरिएबल को अपने इस मॉडल में किसी और वेरिएबल को भी लेके आना पड़ेगा, या किसी और चीज को देखें। अगर आपने कहा कि सेल्स में इजाफा एडवर्टाइजिंग की वजह से हो रहा है, तो मॉडल कहता है कि नहीं जी, 20% तो एडवर्टाइजिंग की वजह से हो रहा है, 80% किसी और की वजह से हो रहा है, तो उस 80% को ढूंढो ना फिर, तो फिर आप इस मॉडल को चेंज करो और इसमें कोई और वेरिएबल डाल के देखो, एनी अदर वेरिएबल जो आप समझते हो कि अच्छा, अगर सेल्स की वजह से नहीं हो रहा होगा तो एडवर्टाइजिंग की वजह से नहीं हो रहा होगा तो किस वजह से हो रहा होगा, हम कमीशन देते हैं इस वजह से इजाफा हो रहा है, वो वेरिएबल डालो, फिर मॉडल रन करके देखो, अगर आर स्क्वायर इंप्रूव होता है तो ये वाला मॉडल बेहतर है,
अगर आर स्क्वायर और वीक हो जाता है तो पिछला मॉडल बेहतर है। तो मॉडलिंग में हम वेरिएबल चेंज कर करके देखते रहेंगे। आर स्क्वायर हमें सिर्फ ये आइडिया दे रहा है कि हमारा मॉडल किस हद तक फिट है और किस हद तक फिट नहीं है। ठीक है जी। सो ये अच्छा सवाल था और ये मैंने आपको क्लैरिफिकेशन भी दे दी। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा टाइम सीरीज। टाइम सीरीज एनालिसिस ये भी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा लेंदी है और स्टूडेंट अक्सर इसको स्किप कर देते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा स्किप करना। आप तो सीवी में वैसे ही कुछ नहीं स्किप कर सकते। तो पहली बात तो ये कि टाइम सीरीज कहते हैं एक ऐसे डेटा को जो ओवर दी टाइम आपके पास कैप्चर हो रहा होता है, लाइक पिछले 5 साल की सेल, पिछले 5 साल की अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, पिछले 5 साल का कॉस्ट का डेटा, पिछले 5 साल के बिजली के बिल का डेटा। तो टाइम सीरीज एक लंबे अरसे का, लंबे अरसे के टाइम का डेटा होता है। लंबे अरसे से मुराद 5 से 10 साल है। ठीक है। तो टाइम सीरीज जब डेटा आपके पास हो तो उससे आप बेहतर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे का डेटा है, उसके अंदर सीजनल वेरिएशंस भी आ रही होती हैं, उसके वो एक लंबे अरसे का डेटा है। तो जितना बड़ा डेटा सेट होगा, जितना लंबे अरसे का डेटा होगा, उससे प्रिडिक्शन उतनी आसान होगी। तो टाइम सीरीज एनालिसिस बहुत कॉमनली यूज होता है सेल्स को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो हम पिछले 5-10 साल की सेल्स ले लेते हैं और उसकी बेस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो टाइम सीरीज एनालिसिस के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ये कंपोनेंट्स आपने समझने हैं। अगेन कैलकुलेट क्या करना है, वाई। ठीक है, सेल्स को कैलकुलेट करना है, लेकिन किस तरह होगी, उसका एक कंपोनेंट ट्रेंड है, दूसरा कंपोनेंट सीजनल वेरिएशन है, तीसरा कंपोनेंट साइक्लिकल वेरिएशन है और चौथा कंपोनेंट रैंडम एरर है। तो जब आप कोई टाइम सीरीज डाटा लेते हैं, कोई भी टाइम सीरीज डाटा लेते हैं, तो लेट्स से आप एक 10 साल का एक टाइम सीरीज डाटा लेते हैं, तो लेट्स से मैं इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सालों में डिवाइड कर देता हूं। तो वो डाटा कुछ इस तरीके से होता है कि एक साल के अंदर कुछ वेरिएशन, फिर दूसरे साल के अंदर कुछ वेरिएशन, फिर तीसरे साल के अंदर कुछ वेरिएशन, फिर चौथे साल का डेटा, फिर हो सकता है 4 साल के बाद ये डेटा नीचे आ जाए और ये इस तरीके से इसका पैटर्न बने। ठीक है। और हो सकता है फिर उसके बाद ये डेटा यहाँ पे जा रहा हो और फिर इस तरीके से पैटर्न बने। अब ये टाइम सीरीज डेटा है 10 सालों का। फर्ज करें कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो आपने क्वार्टर 1, 2, 3, 4 हर साल का डेटा लिया हुआ, ये प्लॉट ही हुआ। अब देखें, जो भी ये सीरीज बन रही है, इसका कोई ना कोई तो ट्रेंड है ना, इसका एक लॉन्ग टर्म 10 सालों का कोई ना कोई ट्रेंड तो बन रहा है। 10 सालों में ये वैल्यूज ऑन एवरेज किसी तरीके से अपवर्ड तो मूव कर रही है एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से। तो इसी लॉन्ग टर्म जो लाइन ड्रॉ होती है इस डाटा से, उसको हम कहते हैं ट्रेंड। तो ट्रेंड होता है लॉन्ग टर्म, ये बात जहन में रख ले। लॉन्ग टर्म अगर 10 साल का डेटा है तो 10 साल के डेटा की बेस पर ट्रेंड क्या बन रहा है, वैल्यूज ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, किस हद तक, किस तरह ऊपर जा रही है, किस तरह नीचे जा रही है, ये ट्रेंड है। अच्छा, अब सीजनल वेरिएशन देखें, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे कि एक सीजन के अंदर अंदर, अब एक सीजन क्या है, एक साल, तो ये एक साल है। इस साल में आप नोट करें कि वैल्यू ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो कहीं ना कहीं एक क्वार्टर में एक वैल्यू ऊपर जा रही है, एक क्वार्टर में नीचे आ रही है। अब ये क्वार्टर गर्मियां सर्दियां को भी हो सकते हैं, तो हमारी सेल्स किसी एक मखसूस सीजन में कम होती है, किसी मखसूस सीजन में ज्यादा होती है, तो सीजनल वेरिएशन एक साल के अंदर अंदर आ जाती है। तो सीजनल वेरिएशन जो होती हैं वो आपकी शॉर्ट टर्म होती हैं, शॉर्ट टर्म वेरिएशंस। एक 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 पर्टिकुलर सीजन, चाहे वो एक साल का सीजन है, उसके अंदर जो वेरिएशन आ रही है आपके डेटा में, कभी सेल ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, तो उसको हम कहते हैं सीजनल वेरिएशन। सीजन की वजह से वक्ती जो फर्क पड़ रहा है आपके ट्रेंड में, ये वो वेरिएशन है। फिर आप यहाँ पे देखें कि 4 साल के बाद एकदम डिप आया आपकी सेल में। ठीक है, 4 साल के बाद एकदम डिप आया आपकी सेल में। अब ये सीजनल नहीं है, इसको हम साइक्लिकल कहेंगे कि जी 4 साल जब मुकम्मल हुए तो सेल डिप हो गई और फिर 4 साल बाद सेल ऊपर चलेगी। तो एक साइकिल आ रहा है, जिस तरह आप देखते हैं इकोनॉमी में बूम, डिप्रेशन, रिसेशन, के इकोनॉमी हर 4-5 साल बाद, 10 साल बाद ऊपर नीचे हो रही होती है, तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन आ रही होती है। तो टाइम सीरीज का तीसरा कॉम्पोनेंट है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। चौथा कॉम्पोनेंट है रेंडम एरर, कि अगर हम सारी अच्छी मॉडलिंग भी कर लें तो फिर भी कोई ना कोई एरर आ जाता है, तो वो रैंडम एरर इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम जो मर्जी करें कहीं ना कहीं रैंडम एरर भी आ जाता है। अच्छा, अब इस सारी मॉडलिंग में आपको बीइंग अ स्टूडेंट सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान देना है। एक
टाइम एक ट्रेंड पे आपको ट्रेंड कैलकुलेट करना आना चाहिए, और दूसरा सीजनल वेरिएशन, आपको सीजनल वेरिएशन को एडजस्ट करना आना चाहिए। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन जो कि बहुत मीडियम टू लॉन्ग टर्म होती है, इस तरह का डेटा आपको एग्जाम में नहीं आता, ना ही इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। रैंडम एरर वैसे ही पॉसिबल नहीं होता। तो अब आप यूं समझ लो कि आपका ये जो टाइम सीरीज का मॉडल है ये रिड्यूस होकर सिर्फ दो चीजों पे आ जाता है, टी प्लस एस, यही हमने समझना है, ये मॉडल हमने समझना है और उसको प्रिडिक्ट करना हमें आना चाहिए। और अगर ये मल्टीप्लीकेटिव मॉडल हो तो उसको कहते हैं टाइम इंटू एस, ट्रेंड इंटू एस। ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ कि एडिटिव और मल्टीप्लीकेटिव मॉडल में क्या होता है। फिलहाल तो आप समझ ही गए होंगे कि एडिटिव में चीजें ऐड हो रही हैं और मल्टीप्लीकेटिव में ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो देयर आर टू मॉडल्स, एडिटिव और मल्टीप्लीकेटिव। ठीक हो गया जी, अब आगे चलते हैं। अब असल में ये सीखना है कि ट्रेंड कैसे कैलकुलेट होगा और सीजनल वेरिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, और अगर हमें ट्रेंड और सीजनल वेरिएशन दी हुई हो तो वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये बस समझना है और इसी को प्रैक्टिस करना है और फिर उस पर ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। अब इस चीज के लिए मैं सिंपली एक क्वेश्चन यहां से ले लेता हूं, क्योंकि मैं इस चीज को कहीं ना कहीं डेफिनेटली इतना टाइम भी लगाऊंगा तो आपको ये थ्योरी डेफिनेटली वो समझ नहीं आने, बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसकी जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब ये आपके पास एक डाटा है लेफ्ट साइड पे, डाटा है सेल्स का, 2004 की समर और विंटर की सेल, तो यहाँ पे दो सीजन आ गए समर विंटर, और 2005 की समर और विंटर की सेल, 2006 की समर विंटर की सेल, 8 की समर विंटर की सेल। तो यहाँ पे सेल्स का डाटा आपके पास आ रहा है 2004 126 समर विंटर, फिर 5 समर विंटर, फिर 6 समर विंटर, फिर 7 समर विंटर, फिर 8 समर विंटर, फिर 9 समर। तो ये 10 वैल्यूज हैं आपकी समर विंटर के हिसाब से। ठीक है, इसके साथ आप लिखना चाहें तो लिख लें समर विंटर समर विंटर समर विंटर, और फिर साल भी लिखना चाहें तो लिख लें। अब हमने इसका निकालना है ट्रेंड। ट्रेंड निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उससे हम कहते हैं मूविंग एवरेज, ये आपने ध्यान में डाल लेना है, मूविंग एवरेज, हम मूविंग एवरेजेस को यूज करते हुए ट्रेंड निकालेंगे। अच्छा, मूविंग एवरेज जो सीजन है उसके हिसाब से ली जाती है। अगर आपके साल के सीजन में दो पीरियड्स हैं, जिस तरह यहाँ पे समर विंटर है, तो आप दो पीरियड्स की सीजनल वेरिएशन लेंगे। अगर चार क्वार्टर्स हैं तो आप चार क्वार्टर्स के हिसाब से सीजनल वेरिएशन लेंगे। तो यहाँ पे चूंकि दो हैं, और उसके बाद मैं नीचे टेबल पे ले जाता हूं, तो आपने क्या करना है, इन दो को जमा करना है और दो को जमा करके दो पे डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे एक मूविंग एवरेज आ जाएगी। फिर आपने इन दो को जमा करना है और फिर इस पे डिवाइड करना है, फिर आपने इन दो को जमा करना है और इस पे डिवाइड कर देना है, तो ये मूविंग एवरेज आना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पहली मूविंग एवरेज आएगी 124 जमा 70, तो 124 जमा 70, और इसको हमने तकसीम कर दिया दो पे, ये 97 आ गए। दूसरी एवरेज के लिए 70 जमा 230 किया और दो पे तकसीम किया तो 150 आ गए। तीसरी मूविंग एवरेज के लिए आपने 230 और 180 को जमा किया तो 410 आ गए। ठीक है जी, ये आपने एवरेजेस ले ली। मैं जस्ट कंफर्म कर लूं, 97, 150, 200, 205, सॉरी वो दो पे मैंने तकसीम नहीं किया तो 205। ठीक है, ये 205 होगी, दो पे तकसीम भी करता था। अच्छा, अब नोट कीजिएगा और मैं फिर बाद में आपको वो सोल्यूशन दिखाता हूँ, क्योंकि अदरवाइज सोल्यूशन पे ध्यान पड़ जाना तो लर्निंग जरा कॉम्प्रोमाइज होती। अब नोट कीजिएगा कि जो वैल्यू हमने ली है ये किसी एक उसके सामने नहीं है, ना तो ये समर के सामने है ना ये विंटर के सामने है। अब हमने इस वैल्यू को किसी एक पीरियड के सामने लेके आना है, तो अब हम इस एवरेज की भी एवरेज ले लेंगे। तो जब हम 97 और 150 की एवरेज लेंगे, 97 और 150 की, और दो पे तकसीम करेंगे, तो अब ये चीज आएगी 123.5, और ये एग्जैक्ट किसके सामने आएगी, ये एग्जैक्ट विंटर के सामने, इसके सामने आ जाएगी 123.5। ठीक है,
क्योंकि पहले 97 की वैल्यू कहाँ पे है, ये समर और विंटर के बीच में है और ये विंटर और समर के बीच में है, तो ये जब इसकी एवरेज लेंगे तो एग्जैक्ट विंटर के सामने आ जाएगी। एम्बिग्यूटी हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। अच्छा अब मैं आपको ना इस टेबल पे लेके जाता हूँ, मैं मजीद वर्किंग यहाँ से नहीं करता, मैं इस टेबल पे जो इसकी वर्किंग हुई हुई है इस पे ले जाता हूँ। तो यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, ये वो सारा डेटा लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, ये सेल्स दी हुई है, ये इसकी टू टू सीजन मूविंग एवरेज ली हुई है। अब आप यहाँ पे देखें ये एवरेज बीच में आ रही है 194 समर और विंटर के बीच में। तो जब हम इन दोनों एवरेज की भी एवरेज लेंगे, इन दोनों ये टोटल है, ये उसकी एवरेजेस हैं, जब इन दोनों एवरेज की एवरेज लेंगे तो वो विंटर 2004 के सामने वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जब ये एक मखसूस बॉक्स के सामने वैल्यू आ जाएगी तब अगला कॉलम हम बनाएंगे, उसको हम कहते हैं सीजनल वेरिएशन का, और यही हम बनाना चाह रहे थे सीजनल वेरिएशन। अब आप नोट कीजिएगा कि जो ट्रेंड आ रहा है वो 123.5 है, यानी कि एवरेज करके जो ट्रेंड आ रहा है वो 123.5 है, एक्चुअल जो वैल्यू है वो 70 है। इसका मतलब है कि पूरी एवरेज 123.5 है जबकि एक्चुअल 70 है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा 70 और 123.5 का उसको हम कहेंगे सीजनल वेरिएशन। तो -53.5 ए माइनस बी -53.5, यानी कि 70 में से 123.5 माइनस करें तो सीजनल वेरिएशन है। इसका मतलब ये है कि ट्रेंड के मुताबिक तो वैल्यू होनी चाहिए थी 123.5, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू है 70, तो इस सीजन में हमारी एक्चुअल वैल्यू ट्रेंड से -53.5 होगी। तो ये एक आखिरी कॉलम बनता जाएगा सीजनल वेरिएशन का। अब ये सारा काम हो जाएगा, ये सारा ट्रेंड और ये सारी सीजनल वेरिएशन निकल आएगी, तो फाइनली अब आपके पास, अब आप इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो आखिर में आपने एक ट्रेंड की वैल्यू निकालनी है, एक ट्रेंड की वैल्यू। अब ये गौर से देखिएगा कि ये एक ट्रेंड की वैल्यू कैसे निकलती है। आप ये करोगे कि आप आखिरी आखिरी ट्रेंड की वैल्यू लोगे, तो ये वाली है 527.5, 527,500, ये आखिरी ट्रेंड की वैल्यू। इसमें से आप पहली ट्रेंड की वैल्यू माइनस कर दोगे 123,500, ठीक हो गया, और फिर इसको जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उसमें से एक माइनस करके, क्योंकि एक तो एक साल से दूसरे साल में एक तो वैसे ही काउंट हो जाता है ना, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वैल्यूज बनती, तो आप 8 लोगे, डिवाइड करोगे तो आपके पास एक जवाब आ जाएगा और वो है 50,500। ये टी की वैल्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है टी की वैल्यू, जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि हर टाइम पीरियड बढ़ने से 50,500 का इजाफा हो जाता है, किसमें, सेल्स में। अब हमें ट्रेंड पता लग गया, तो फॉर एग्जाम्पल हम आखिर में, हमें किसकी सेल पता थी, विंटर 2008 की, तो समर 2009 की सेल्स कितनी होगी, हम 50,500 जमा कर देंगे। उसके बाद विंटर 2009 की सेल कितनी होगी, 50,500 जमा कर देंगे। उसके बाद समर 2010 की सेल कितनी होगी, 50,500 जमा कर देंगे। तो ये ट्रेंड ये बता रहा है कि हर अगले पीरियड की सेल में 50,500 का इजाफा हो जाएगा। लेकिन हमें मॉडल ये कहता है कि सिर्फ ट्रेंड को नहीं देखना, हमने सीजनल वेरिएशंस को भी देखना है। तो हम ट्रेंड के हिसाब से वैल्यू जरूर निकाल लेंगे, लेकिन फिर हम उसको सीजनल एडजस्टमेंट भी करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि सीजनल एडजस्टमेंट के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने तमाम सीजनल एडजस्टमेंट्स यहाँ पे लिखी हैं, जो ऊपर कैलकुलेट की थी। 2004 की जो एडजस्टमेंट थी विंटर की वो लिख दी, 5 की एडजस्टमेंट, 6 की, 7 की, 8 की। अब यहाँ पे फाइनल स्टेप ये होता है कि जो एडजस्टमेंट्स हैं इसको प्लस वालों को अगर जमा करो और माइनस वालों को जमा करो तो ये जीरो होनी चाहिए, यानी कि एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएशन जीरो नहीं आ रही, इसके लिए, इसको जीरो करने के लिए हम एक और काम करते हैं। तो हमने 210 को 4 पे डिवाइड किया, एक एवरेज सीजनल वेरिएशन आ गई 52.5, 268 को 53.5 पे डिवाइड किया, एक एवरेज सीजनल वेरिएशन आ गई 53.7। अब इनका टोटल है -1.2, हमने इसको जीरो करना है तो हम +1.2 कर लेंगे, और +1.2 को डिवाइड करके 2 पे 0.6 0.6 से मजीद एडजस्टमेंट देंगे, तो फाइनल हमारे पास एक एडजस्टेड सीजनल वेरिएशन आ रही है। और वो ये आ रही है कि अगर समर सीजन की सेल आप निकालते हैं तो उसमें 53.1 प्लस कर दें, और अगर विंटर की सेल निकाल रहे हैं तो 53.1 माइनस कर दें। अब वी आर एबल टू डू प्रिडिक्शन, अब हम इस मौके पे आ गए हैं कि हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं।
तो ट्रेंड में 50,500 ट्रेंड है वैल्यू फॉर एवरी पीरियड, और सीजनल वेरिएशन हमें पता लग गई विंटर और समर की 53.1 और 53.1, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहता है जी प्रेडिक्शन कर दें, मुझे कोई कहता है 2010 की आपने मुझे बतानी है प्रेडिक्शन सेल्स बतानी है विंटर 2010 की, ठीक है जी, 2010 की लेट से समर की सेल बतानी है। क्वेश्चन आ रहा है, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ जी, सवाल है कि y डिवाइडेड बाय 8 नंबर ऑफ कॉलम्स इज 9, तो सर आप जरा गिने तो सही ना, जरा आप उंगलियों पे गिने, समर से लेकर समर 9 तक जरा वैल्यूज गिने, देखें समर टू विंटर एक वैल्यू, विंटर टू समर एक वैल्यू, तो एक वैल्यू तो कम ही हो जाएगी ना, सीजन 8 ही हैं, वो तो एक तो स्टार्टिंग पॉइंट है, आप इसको गिन के देख लें तो ये 8 ही बनेंगे, इसलिए आपको शॉर्टकट बताया एक माइनस कर दें, ठीक है। तो अब प्रिडिक्शन कर रहे हैं हम, लास्ट स्टेप है, प्रिडिक्शन करनी है समर 2010 की, यहाँ पे हम 2010 लिख देते हैं 2000Y0। अब हम आखिर में कहाँ थे, हमारे पास आखिरी सेल क्या थी, हमारे पास आखिरी सेल थी विंटर 20X8 की, और वो कितनी थी 527.8 ट्रेंड के मुताबिक। अब इसके अंदर समर 20X9, विंटर 20X9, और फिर हम कह रहे हैं समर 20Y0, कितने पीरियड और हो जाएंगे, 1, 2, 3, हर पीरियड का कितना इजाफा है, ये इजाफा है ट्रेंड के मुताबिक, जितने पीरियड्स बढ़ेंगे उतना 50/5 का इजाफा हो जाएगा। तो ट्रेंड के मुताबिक समर 20Y0 की जो सेल आएगी वो आएगी 527.5 प्लस 50.5 प्लस 50.5 प्लस 50.5 और वो आएगी 679। अब ये है ट्रेंड के मुताबिक, लेकिन हमें यह बताया जा रहा है कि जो भी ट्रेंड के मुताबिक आए उसमें एक सीजनल एडजस्टमेंट भी देनी है, और समर की जो सीजनल एडजस्टमेंट है वो हम निकाल चुके हैं, समर की जो सीजनल एडजस्टमेंट है वो हमें पता है कि वो 53.1 है, पॉजिटिव या नेगेटिव मैं यहां से देख लेता हूं, तो समर की 53.1 पॉजिटिव है, समर में सेल बढ़ जाती है, तो मैं इसमें 53.1 का इजाफा कर दूंगा, तो 679 में 679 में जब मैं 53.1 का इजाफा करूंगा तो मेरी 732.81 क्या आ जाएगी फोरकास्टेड से, और ये एक ऐसी फोरकास्टिंग है, ये एक ऐसी प्रेडिक्शन है जिसमें हमने एवरेज ट्रेंड को भी देख लिया और हमने सीजनल वेरिएशन को भी देख लिया, तो हमारा प्रेडिक्शन और बेहतर होगी। अगर ये विंटर होता तो मैं -53.1 कर देता, तो ये फोरकास्टिंग है थ्रू टाइम सीरीज। अब मेरे ख्याल में मैंने बहुत टाइम लगा दिया इसको बताने में, डेफिनेटली आज आपका भी पहला दिन है, कुछ ट्रबल शूटिंग भी बीच में रही, इसके अंदर और भी चीजें हैं, अगर आपको ये चैप्टर नहीं मिल रहा आप ICMA की कैपलन की किताब लें, उसके अंदर ये चैप्टर एज इट इज लिखा हुआ, क्योंकि कैपलन सेम कॉन्टेंट लिखता है। तो कोई क्विक क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर मैं चलता हूँ जरा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, मैं आज बेशक अभी 1 घंटा 40 मिनट हो गया लेकिन मैं आज के सेशन को चलें 2 घंटे पे ले जाता हूँ, क्योंकि आधा घंटा तो हमारा वैसे ही किक। कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आप बेशक स्क्रीनशॉट लेते जाएं, अगर आप चाहते हैं कि ये किट के सवाल भी आप मेरे साथ साथ कर लें। जी खदीजा का सवाल है, आपने फोरकास्टिंग से स्टार्ट क्यों किया, मैं इसका जवाब अक्सर स्टूडेंट को ये देता हूँ कि मैं सिलेबस को वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से सिलेबस स्टार्ट हुआ हुआ है, तो आपका ICMA का सिलेबस यहीं से स्टार्ट होता है, मैंने भी यहीं से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो और दूसरा जवाब ये है कि कुछ स्टूडेंट्स मुझे ये कह रहे थे कि सर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो वो होता है तो वहां से स्टार्ट लें, उसका क्वेश्चन बड़ा आता है। मैंने अब आपको बात समझाई है कि CBE में कोई चीज अब इंपॉर्टेंट नहीं होती और कोई चीज लेस इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपके हर टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है आ सकता है, तो इसलिए एक नेचुरल सीक्वेंस में पढ़ लें, और ये प्लान मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। तो ये एक रीजन थी फोरकास्टिंग से, क्योंकि हमने बजटिंग पढ़ना है, बजटिंग के लिए फोरकास्टिंग होती है। और ये जो किट में आपको 133वां सवाल नजर आ रहा है, कहीं आपको शायद इससे लगा हो कि यहाँ तो इतना एंड का सवाल है तो ये शुरू में कैसे पढ़ा दी, ये P2 की किट है, उनका सीक्वेंस अपना है, P1 सीमा का उनका अपना सीक्वेंस है, आपका ICMA का अपना सीक्वेंस है, तो इसलिए ये एग्जाम किट में आपको, अगर यही ICMA की एग्जाम किट होती तो शायद
आपको ये पहला सवाल नजर आ रहा था। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो चले, हमने अभी नया नया कॉन्सेप्ट सीखा है, ज्यादा हम प्रैक्टिस इसी की करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में हाई लो मेथड आप कर लेंगे, कहीं ना कहीं आपसे जब गड़बड़ होगी तो आप ये जो टाइम सीरीज है इसमें गड़बड़ करेंगे या रिग्रेशन में गड़बड़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 134 इज ऑन योर स्क्रीन, इसको समझें। वो कहते हैं जी कि कंपनी फ्यूचर सेल एस्टिमेट कर रही है टाइम सीरीज से, और अगर आप साथ साथ कर लेंगे, मेरे अपने पास नोट पैड रखें, जितनी देर मैं बोल रहा हूँ और आप पढ़ लें, अगर आप कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो आपको समझा ही रहा हूँ। तो इन्होंने जो ट्रेंड बनाया है वाई इज इक्वल टू 22,000 जमा 800 एक्स बनाया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर वाई जो है वो टोटल सेल्स यूनिट फॉर द क्वार्टर है, एक्स जो है पहले क्वार्टर की सेल जो है वो 22,000 है, यानी कि पहले साल की पहले क्वार्टर की सेल 22,000 है, और उसके बाद हर क्वार्टर में जो सेल बढ़ी है वो 800 है। तो बेसिकली यहाँ पे जो टी है ट्रेंड वो 800 है, एवरी एवरी क्वार्टर बढ़ने से सेल कितनी बढ़ती है? 800। अब आपको उसने सीजनल वेरिएशन दे दी है कि क्वार्टर वन की जो सेल है वो -70-80 है, क्वार्टर टू की वेरिएशन -20-30 है, क्वार्टर थ्री की +70-80 है, क्वार्टर फोर की -23-60 है। आपसे पूछ क्या रहा है? अब ये आपका सवाल है, मैं मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप सवाल पढ़ के खुद ही कर लें, नहीं तो मैं फिर एक मिनट के बाद आपको जवाब लिख दूंगा। वो ये कह रहा है कि सेल्स बताएं, फोरकास्ट सेल्स किसकी? ईयर टू की। किसकी? ईयर टू के क्वार्टर थ्री की। अब आपने क्या करना है, ट्रेंड वैल्यू निकालनी है और उसमें सीजनल एडजस्टमेंट करनी है। ये निकालें, एडजस्टमेंट करें और जवाब बता दें। एक मिनट में आपको देता हूं। जवाब आना शुरू हो गए हैं जी, एक जवाब है बी, एक जवाब है डी, एक दो और दे दें। सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, डेल्टा। आपने करना ये था कि आपने ट्रेंड निकालने के लिए 22,000 में जमा 800 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ईयर टू का क्वार्टर थ्री सातवां पीरियड बनता है। ठीक है, ईयर टू का क्वार्टर थ्री सातवां पीरियड बनता है, तो यहाँ पे आपने 7 ले लिया, आपका ट्रेंड वैल्यू आ गई 22,600। इस ट्रेंड वैल्यू में से फिर आपने सीजनल एडजस्टमेंट की 70-80, क्योंकि क्वार्टर थ्री में आप 70-80 ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 34,680। ये आपका जवाब आ गया। किसी को कोई एम्बिग्युटी हुई हो तो वो पूछ ले फटाफट, क्योंकि अब इस तरह के आगे क्वेश्चन भी आने हैं। प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि एक चीज जो आपके जहन में आपने बैठा लेनी है, फिर आगे गलती नहीं करनी है आपने। मैंने प्रैक्टिस पोर्टल में भी क्वेश्चन रखे हैं, वहां से भी आप करेंगे रात को। इस पे कोई एम्बिग्युटी? साथ कैसे लिया जी? शुरू हो जाए क्वार्टर वन से गिनना। क्वार्टर वन, ईयर वन का क्वार्टर वन एक, ईयर वन का क्वार्टर टू दो, ईयर वन का क्वार्टर थ्री तीन, ईयर फोर, ईयर वन का क्वार्टर फोर चार, ईयर टू का क्वार्टर वन पांच, ईयर टू का क्वार्टर टू छह, ईयर टू का क्वार्टर थ्री सात। तो आप पहले पीरियड की वैल्यू से सातवें पीरियड की वैल्यू पे जाना चाह रहे हैं तो आप सात से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर अगले क्वार्टर में एक कितना इजाफा होता है, कितना इजाफा होता है लिखा हुआ वहां पे 800x। अच्छा जी, ये कह रहे हैं जी वेरिएशन का सम इक्वल टू जीरो आना चाहिए, तो आ तो रहा है भाई, आप जरा देखें
एक क्वार्टर 1 2 3 4 की वेरिएशंस का अगर सम करें तो जीरो आ तो रहा है। वैसे ही हमारा काम खुद करने में तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल जीरो आ रहा है। आई डोंट नो आपको क्यों नजर नहीं आ रहा। आप तमाम वेरिएशन से सम कर लें, जीरो आएगा। आगे चलें जी। आगे चलते हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल है। 135, दो वॉल्यूम दिए हुए हैं, दो कॉस्ट दी हुई है, और कावा 5750 पे कॉस्ट निकाल रहे हैं। ये तो आप कर लेंगे ना, हाई एंड लो मेथड है। क्या ख्याल है, इसको करें? मैं तो बताऊंगा भी नहीं, मुझे सिर्फ आंसर बता दें। 1 मिनट, जल्दी जल्दी करना। आपके पास आईसीबी में प्रैक्टिस स्पीड भी बड़ी मैटर करती है, ठीक है? 5500 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट बतानी है। 5500 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट क्या होगी? 31,500। ये ठीक जवाब है, 31,500। बाकी ने भी दे दिया। आई नो जी, आई नो आप हाई लो मेथड में चैंपियन है। मैं इसलिए हाई लो मेथड का और कोई सवाल नहीं आपको कराने लगा। यही मैं चेक करना चाह रहा था कि इसमें तो आप गड़बड़ नहीं करते, तो आप नहीं करते, तो इसीलिए 136 भी हाई लो का है, 137 में भी हाई लो की चीजें हैं, आप इसको कर सकते हैं। 138 जो है वो इसको आप जरा देख लें, इसको हम देख लेते हैं। 138 को, तो 138 138 में मल्टीप्लिकेटिव मॉडल कहीं ना कहीं आपको, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ पे जो है वाई की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो टी इंटू एस होगा, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है। ओवरहेड कॉस्ट दी हुई है, ओवरहेड कॉस्ट का उसने जो है ओवरहेड कॉस्ट का उसने एक एस्टिमेशन दी हुई है कि ओवरहेड कॉस्ट 10,000 फिक्स्ड है और 0.25 वेरिएबल है, मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी लेवल। और जो मंथली एक्टिविटी ऑफ ऑर्डर्स में भी एस्टिमेटेड यूजिंग अ कंबाइंड रिग्रेशन एंड टाइम सीरीज मॉडल वेयर ए इज इक्वल टू 1,30,000 बी, वेयर एज वेयर ए रिप्रेजेंट द डी सीजनलाइज मंथली कॉस्ट एक्टिविटी लेवल एंड बी रिप्रेजेंट द मंथली नंबर इन मंथ 240 द सीजनल इंडेक्स वैल्यू इज 108। तो यहाँ पे आपने दो चीजें, अब ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ सिंपल क्वेश्चन। दो चीजें आपने फोरकास्ट करनी है। सबसे पहले तो आपने ऑर्डर्स को फोरकास्ट करना है, फिर ऑर्डर्स जब फोरकास्ट कर लें तो फिर आपने मंथली कॉस्ट को फोरकास्ट करना है, ठीक है? अब ऑर्डर्स के लिए जो ये वाला पैराग्राफ है, जब वो कहता है मंथली एक्टिविटी ऑफ ऑर्डर्स में भी एस्टिमेटेड यूजिंग अ कंबाइंड रिग्रेशन, तो ऑर्डर्स की फोरकास्टिंग के लिए आपने रिग्रेशन और टाइम सीरीज का डेटा यूज करना है। तो ऑर्डर्स के लिए अब आपने ये वाला मॉडल यूज करना कि कितने ऑर्डर होंगे, ठीक है? तो उसके लिए अगर आप देखें ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि 1,00,000। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ट्रेंड की वैल्यू देखोगे, तो ऑर्डर्स कैसे निकलेंगे, 1,00,000 +30 बी, और बी की वैल्यू इन्होंने दी हुई है, हमको किस मंथ का निकालना चाह रहे हैं, 240। अच्छा अब यहाँ पे ना अपने ये ए बी से उस तरह कंफ्यूज नहीं होना कि ये ए बी कहीं दूसरे वाले ए बी हैं। ये बेसिकली चूंकि उसने ऊपर एक इक्वेशन वाई और एक्स में दी हुई थी, तो नीचे वो वाई और एक्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ए और बी का वर्ड यूज कर लिया। अदरवाइज ये इक्वेशन वैसी ही है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी है, जिसका मतलब यही है कि 1,00,000 तो होंगे और प्लस पर पीरियड पर मंथ 240 से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पहले पीरियड में 1,00,000 ऑर्डर्स हैं और फिर पर पीरियड 240 30 से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो अब पीरियड मंथ 240 में, मंथ 240 में जो ऑर्डर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 30 × 240, 30 × 240 और प्लस 1,00,000,
तो ये बन गए 107,200 ऑर्डर्स। अच्छा अब ये तो है ट्रेंड, ये तो हमने ट्रेंड के हिसाब से ट्रेंड की इक्वेशन को यूज करते हुए ऑर्डर्स कैलकुलेट, तो टी पता लग गया। अच्छा अब इसके अंदर हमने करना है सीजनल वेरिएशन को एडजस्ट। जब एडिटिव मॉडल होता है तो हम सीजनल वेरिएशन को प्लस या माइनस करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में हम सीजनल वेरिएशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हमने सीजनल वेरिएशन से मल्टीप्लाई करना है। अब इंडेक्स वैल्यू दी हुई है 108, तो सीजनल वेरिएशन किस फॉर्म में दी हुई है, इंडेक्स वैल्यू की फॉर्म में, और वो कितनी है 108। तो इंडेक्स स्टार्ट होता है 100 से, तो 108 तकसीम 100। अब ये भी आपको एक छोटी सी बात समझनी है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1.08 से। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1.08 से तो आपके ऑर्डर्स आएंगे 115,776। ये आपके सवाल का पहला हिस्सा था। जब आप ये ऑर्डर्स निकाल लोगे तो आप कॉस्ट की इक्वेशन को यूज करते हुए कि कॉस्ट कितनी है 10,000 जमा 0.25 पर ऑर्डर्स, तो आप आसानी से अब आप मंथली जो टोटल कॉस्ट है वो प्रिडिक्ट कर सकते हो, और वो बनती है 38,944। ये इसका सलूशन है। किसी के कोई क्वेश्चन किसी के जहन में आ रहा है तो पूछ ले। ये जरा एक एडवांस क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, दो नंबर का हो सकता है। अच्छा जी, लोगों ने जवाब बताए हैं मुझे, और जवाब है जी 36,800। मेरा जवाब कितना है जी 38,944। तो कोई एम्बिग्यूटी है तो क्लियर कर लें। आई डोंट नो वेयर यू वेंट रॉन्ग। How did we come to know that it's multiplicative model? जी अच्छा सवाल है। जब वो आपको इंडेक्स देगा सीजनल इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे वर्ड नोट कीजिएगा, उसने कहा है कि सीजनल इंडेक्स वैल्यू कितनी है 108। ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव, इंडेक्स वैल्यू दी हुई है, और 108 को इंटरप्रेट आपने कैसे करना है, 1.08 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर वो देता कि सीजनल वेरिएशन प्लस 108 है या माइनस 108 है, तो फिर ये एडिटिव मॉडल होता है, सिंपल। जी दो स्टूडेंट ने यही सवाल पूछा था एक जैसा, दोनों को मैंने जवाब दे दिया, तो समझ आ गया, तो ओके लिख दें, शुक्रिया भी अदा कर दें। इसी तरीके से अगला सवाल है, इसमें भी एक ट्रेंड लाइन दी हुई है, y equals 9.72 plus 5.816x। अब मैं नहीं कराऊंगा, आप करेंगे, और डेविएशंस कह रहे हैं एडिटिव मॉडल की हैं, और वो कह रहे हैं मंथ 23 में फोरकास्ट बताएं, जबकि सीजनल वेरिएशन कितनी है प्लस 6.5। आसान सवाल है, आप कर सकते हैं, ये अब आपके स्टैंडर्ड का सवाल है, एग्जाम स्टैंडर्ड का सवाल है, आप कर सकते हैं। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इतनी डिस्कशन के बाद आप एक मिनट के अंदर कर लेंगे। जी जवाब आ गया 139 का डी, एग्जैक्टली जी डी जवाब है, तो मैं सब फर्दर टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, वी आर ऑलमोस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम, दो घंटे हो गए। मैं आपको आज के लेक्चर के बाद ये जो किट के जो क्वेश्चंस हैं ये स्कैन करके या पिक्चर की फॉर्म में शेयर कर लेता हूं, आप इसको मजीद देख लीजिएगा। अगला जो सवाल है उसमें भी कॉस्ट की प्रेडिक्शन है, कॉस्ट की प्रेडिक्शन के आप चैंपियन है। उससे अगला जो सवाल है वो टाइम सीरीज की प्रेडिक्शन है, सीजनल वेरिएशन, एडिटिव मॉडल, ये भी अब आप समझ चुके हैं। उससे अगला सवाल है बजट कॉस्ट हाई लो मेथड, आप अंडरस्टैंड करते हैं। उससे अगला जो सवाल है उसमें टेक्निकल है, मैं रेकमेंड करूंगा कि ये अब सवाल 144 वाला ये जरा अब आप खुद देखेंगे, हाई लो मेथड है, लेकिन इसके अंदर फिर एक एडजस्टमेंट है स्टेप फिक्स कॉस्ट की, तो जैसे ही कोई नई चीज आएगी तो आप घबरा जाएंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आप ये 144 जो स्टेप फिक्स कॉस्ट वाला सवाल है ये आप खुद अंडरस्टैंड कर लेंगे, या आप फिर मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ रहे होंगे। अच्छा जी, एक सवाल जो 145 है, अब मैं चूंकि मैंने बड़ा टाइम लगाया था इसके ऊपर आर स्क्वायर के ऊपर, तो मुझे लगता है कि अब ये आपसे पूछना चाहिए कि इस सवाल का जवाब क्या है। तो वो कहते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकाला और वो 89% है,
ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब जरा आप बताएं कि 89% के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पे ना पांच स्टेटमेंट लिखी हुई है, इनमें से दो ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि पांच में से दो कौन सी ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में से कौन सी इंटरप्रिटेशन ठीक है आर स्क्वायर 89%। तो जवाब आ गया जी, वन स्टेटमेंट टू और थ्री ठीक है, थ्री तो ठीक है, टू गलत है। थ्री ठीक है जी, थ्री तो कॉमन आ गया सारों का, थ्री एक ठीक है, उसके अलावा कोई कह रहा फोर, कोई कह रहा फाइव, डिटर आर स्क्वायर आपको एसोसिएशन के बारे में नहीं बताता, आर स्क्वायर आपके मॉडल की फिटनेस के बारे में बताता है, और ये बताता है कि क्या एक वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है वो किस हद तक दूसरे वेरिएबल की वजह से एक्सप्लेन हो रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो वन है, कि 89% वेरिएशन इन प्रोडक्शन कॉस्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय वेरिएशन इन आउटपुट, कि 89% जो वेरिएशन आ रही है कॉस्ट में उसकी वजह क्या है, चेंज इन आउटपुट, बकिया 11% किस वजह से हो रहा है, किसी और की वजह से। तो यही मैंने उस वक्त आपको कहा था कि आर स्क्वेयर कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन बताता है कि आपका मॉडल कितना फिट है, फिट का मतलब ये हुआ कि आपके एक वेरिएबल में चेंज किस हद तक एक्सप्लेन किया जा सकता है, किस हद तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है दूसरे वेरिएबल के चेंज की वजह से। तो 89% मीन्स गुड प्रिडिक्शन।